आलिया भट्ट ने दिया है बेबी गर्ल को जन्म, तो अब बिपाशा के घर में भी गूंजेंगी नन्हे मेहमान की किलकारी। दो से तीन होने वाले हैं मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर। किसी भी दिन मिल सकती है जूनियर ग्रोवर के आने की गुड न्यूज। बॉलीवुड की गंगूबाई आलिया भट्ट ने भले ही शादी करने में डेटिंग के 5 सालों का समय लिया, लेकिन शादी के बाद प्रेगनेंसी और बेबी की डिलीवरी में मिसेस कपूर ने जरा भी देर नहीं लगाई। शादी के 2.5 महीने बाद ही उनकी प्रेगनेंसी की खबर आई थी, तो शादी के 6 महीने बाद ही वो माँ भी बन गई हैं। बीते दिन रविवार को ही आलिया ने प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। आलिया की बेबी के दुनिया में आने से फैंस भी खूब खुश हो उठे हैं। वहीं अब आलिया के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और खुशखबरी आने की तैयारी है, वो भी डस्की ब्यूटी बिपाशा बासु के घर से, जो इस समय अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय कर रही हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी फेज में चल रही बिपाशा के घर में भी किसी भी वक्त नन्हे मेहमान के आने की किलकारी गूंज सकती है। अब आलिया तो लिटिल प्रिंसेस की मॉम बन गई है, ऐसे में जोरों से चर्चा है कि बिपाशा के घर बेबी गर्ल का जन्म होगा या बेबी बॉय का, क्योंकि बिपाशा की डिलीवरी में अब चंद दिनों का ही वक्त बचा हुआ है। बता दें कि बिपाशा बसु इस समय प्रेग्नेंट है, ये वक्त उनकी प्रेगनेंसी का आखिरी फेज है। हाल ही में बिपाशा ने अपने पति करण सिंह ग्रोवर के साथ अपने बेबी बम्प की एक तस्वीर इंस्टा स्टोरी में शेयर की थी, जिसमें दोनों सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे। वहीं इस तस्वीर में सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज ने खींचा था वो था बिपाशा का बेबी बम्प। बिपाशा की प्रेगनेंसी का ये लास्ट ट्राइमेस्टर है। आखिर अब बिपाशा के बेबी के दुनिया में आने में ज्यादा देर जो नहीं है, किसी भी दिन बिपाशा की डिलीवरी हो सकती है और उनके घर में भी पड़ जाएंगे नन्हे मेहमान के कदम। बिपाशा बसु के लिए वक्त काफी खास है, वो पहली बार माँ जो बनने जा रही हैं। शादी के 6 साल बाद बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। दोनों ने अप्रैल 2016 में शादी की थी और 6 साल बाद 2022 में अपने पहले बेबी को प्लान किया। इसी साल अगस्त में बिपाशा ने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी। इस समय बिपाशा बसु अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी फेज को एंजॉय कर रही हैं। अभी तक वो कई बार मैटरनिटी शूट भी करवा चुकी हैं, जिसमें वो खूब खुश होकर अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती हुई नजर आती हैं। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान बिपाशा ने खुद ये भी कहा था कि वो बेबी गर्ल के आने की ही उम्मीद कर रही हैं। उन्हें अपना बेबी एक गर्ल ही चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 43 साल की बिपाशा इसी महीने अपने बेबी को जन्म दे सकती हैं। बहरहाल अब तो देखने वाली बात ये होगी कि डस्की ब्यूटी के घर में छोटी बिपाशा आएंगी या फिर छोटे करण। बस इंतजार है तो बिपाशा करण के बेबी का अब दुनिया में आने का। रिपोर्ट E24।